कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा चौक के पास तीन नकाबपोश बदमाश हथियार के बल पर दुकानदार से 12,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। फिर दुकानदार ने बताया कि वो दुकान पर बैठा हुआ था, इसी दौरान तीन युवक उसकी दुकान में घुसे। उनमें से एक युवक के पास देसी कट्टा भी था। देसी कट्टे के दम पर उन्होंने उसके गुल्लक से करीब 12,000 रुपए निकाल लिए। उनका पीछा करने की कोशिश की गई तो उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ये सारी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। उधर घटना से गुस्साए आसपास के दुकानदारों और अन्य लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने ब्रह्मा चौक पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों का समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। जो भी है यहाँ से 25-30 मीटर दूर पे फायर करे उन्होंने, क्योंकि मेरे पे फायर करी उन्होंने और उनसे फायर नहीं हुई। कैमरा देख सकते हो सर, कैमरा में हम। तो आज ये घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार कौन है? पुलिस प्रशासन है। मेन बात यही है, एक तीन दिन पहले एक एप्लीकेशन का एप्लीकेशन क्यों समस्या की समस्या क्यों समझते? क्योंकि पुलिस का एप्लीकेशन लेना और पढ़ के फेंक देना काम है। जब तक कार्रवाई नहीं करेगी तो गुंडागर्दी ऐसे ही बढ़ेगी। आज इस घटना का जिम्मेवार एक आम आदमी नहीं है, इसका घटना का जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है, जो उनको इस नौबत तक पहुंचा दिया।